एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर के चुनाव के संदर्भ में प्रदीप कारनानी संरक्षक खुराना पैनल का क्या है कहना, आप खुद सुनें। हम अब बात करेंगे प्रदीप कारनानी से, और प्रदीप कारनानी इस पैनल के वो एक स्तंभ हैं। प्रदीप कारनानी एक मृदुभाषी और अच्छे व्यापारी हैं, और उनसे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे प्रदीप कारनानी जी से, जो आप लगातार एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट में व्यापार करते आ रहे हैं और मार्केट की समस्याओं से रूबरू होते रहे और निदान करते रहे, आगे आपकी क्या योजना है, आप क्या कहना चाहते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले आप DID के माध्यम से ये अपना परिचय देते हुए बताइए, जो कि आप इस पैनल को क्यों समर्थन दे रहे हैं। ललित जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे लिए दोनों तरफ के व्यापारी ही हैं, इधर भी मेरे साथी है, उधर भी मेरे साथी है, किंतु मार्केट के जो हालात देखे मैंने, जो चार साल में कुछ हो नहीं पाया, उसके कारण मेरे को इस पैनल को सपोर्ट करना पड़ा। जबकि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी मैंने इनको यही कहा था कि आप एक्सटेंशन ले लीजिए, अगर आपने कोई काम नहीं भी किया है या आपसे काम कुछ अधूरे रह गए हैं, वो आप पूरे कर लीजिए और मैं इन सबको समझा दूंगा, और दो साल का एक्सटेंशन आप ले लीजिए। ये AGM मीटिंग में जिसका इन्होंने गलत प्रयोग किया, और उस वीडियो को दिखा के उन्होंने उसके नीचे इन्होंने लिखा, मुंह में राम बगल में छुरी। मैं आज 35 साल से इस मार्केट में हूँ, और कम से कम 250 पार्टियाँ मेरी इस मार्केट के अंदर है, जिनको मैं छोटा बड़ा या जो भी है माल देता रहता हूँ, और सबसे मेरे पारिवारिक संबंध है। एक भी पार्टी मेरे को ये कह देगा प्रदीप जी के वर्ड्स नहीं हैं, अगर हमने कह दिया ये रेट लगेगा और हमारे वर्ड्स ही काफ़ी है, भले उसमें कितना ही उतार चढ़ाव आ गया, तो मेरे को ये बातें ख़राब लगी थी। और मैंने तो पहले इनको ट्राई यही किया था कि भाई सब एक बात, इलेक्शन नहीं चाहते हो तो आप सेम कंटिन्यू कर लो, आप क्यों पोस्ट बढ़ा रहे हो। बट जब इन्होंने पोस्टें बदली और बदली, इलेक्शन का माहौल बना, तो मेरे को लगा कि नहीं यार, ये वो पैनल काम नहीं कर पा रहा है। चार साल में भी जब इन्होंने काम नहीं किया है, तो नए पैनल्स को, जो ये पुराना पैनल्स है इनका, इसको सपोर्ट करना चाहिए। प्रदीप जी, अगर कल मतदान में आप यहाँ के व्यापारी आपकी बातों पर यकीन करके, जो आपका एक इतिहास रहा है, जो आप बोलते हैं आप उसको करते हैं, तो आपकी बातों पर यकीन करते हुए, मुहर लगाते हुए, अगर इस पैनल को समर्थन दे देती है, तो आप कल की तारीख में अगर ये पैनल मार्केट के विकास के लिए काम नहीं करता है, तो आपके सामने में फिर क्या रास्ता बचेगा? देखिए, काम नहीं करने की तो बात ही नहीं होती है, काम तो सारे करेंगे, तभी ये इलेक्शन में खड़े हुए हैं। और सारे ही जो है, ऐसा नहीं है जैसे सुभाष जी है, जैसे मित्तल जी है हमारे, उसके बाद में अनिल है, सब बड़े बड़े व्यापारी हैं, ऐसा नहीं है कभी काम करना नहीं जानते, बहुत एसोसिएशनों से ये जुड़े हुए भी हैं, सामाजिक से भी जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं है, काम कराना भी आता है और काम करना भी आता है। ये
ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बंदे हैं जो मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। हमारे यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। हम कहे हम रोडों को लेके आ गए, रोड लाना हमारा काम नहीं है। हम कहते हैं ये ले आए, वो हमारा काम नहीं है, वो हमारे MLA ने किया। हम MLA को धन्यवाद देते हैं, हम अपने काउंसलर को धन्यवाद देते हैं, हम अपने पुलिस को धन्यवाद देते हैं। वो हमारे से अलग थोड़ी है, किंतु हम उनको नोक तो करना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई काम करवाया और उसका श्रेय ये लेते हैं हमने किया, इनका काम था मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सुने, जिसके लिए बकायदा हमारे मैनिफेस्टो में लिखा गया है। हम बकायदा मेंबर्स के हिसाब से ही मैनिफेस्टो बनाएगा, जो आपके न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं का काम नहीं होगा। बकायदा ऑफिस में ऑफिस बियर होंगे, लीगल एडवाइजर्स होंगे, CCTV कैमरे के लिए भी चेष्टा होगी। तो काम देखिए, एक बात है चेष्टा तो होगी, और एक बात है सारे सदस्य सारे मेंबर्स मिलके ही काम करेंगे तभी काम होगा। कल को हम ये सोचें, कभी एक बात है हमने इस पैनल को जिता दिया और काम हो जाए, जैसे मोदी जी कहते हैं मोदी मोदी करने से तो कुछ नहीं होगा। मोदी के साथ आप साथ लगेंगे तभी काम होगा। आपकी प्रॉब्लम्स आप लाइए, साथ में लगिए, सारे लगेंगे आपके साथ में, तभी काम होगा। सर प्रदीप जी ने बताया किस प्रकार से ये समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आगे क्या है, और बात में इन्होंने जो एक बहुत बड़ी बात कही, चर्चा कर दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की, और जब तक ये नहीं होगा तब तक किसी भी मार्केट का उत्थान नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। प्रदीप जी शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। हाँ यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने मेरे वर्ड्स आपने क्लियर रूप में कहे, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। छब्बीसवें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश, आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।